अगला लिखो फिर छोटू, लिख लिया आपने हेडिंग। तो हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस लिखा है या तो फिर इसी में अन जोड़ देंगे, हो जाएगा ना अनबैलेंस। अब जहां पे लिखा है कि अ बैलेंस कैन कलेक्ट पर्सन ईच वन विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, जब अनबैलेंस बोलिएगा इक्वल के जगह अन इक्वल हो जाएगा, बोलो भाई, या नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, नहीं कह सकते। देखो इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में क्या होता है कि मैक्सिमम आपके बोलने के तरीके होते हैं, समझ रहे हैं आप? आप जितने तरीके से बोल दीजिएगा वो सब सही हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में क्या है कि नॉट इक्वल बोल दीजिए, बोलो भाई, तो आप अपने हिसाब से ऐसे ही बोल दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा छोटू, सही हो जाएगा ना। तो अनबैलेंस में क्या बोलेंगे बताइए, हाँ, कि जब हमें बोलना भाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही ना बाबू, तो हम यह कह देंगे कि अ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस, नहीं अभी इक्वेशन ही बोलेंगे, अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम इज नॉट, या नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड इज नॉट सेम, सेम नहीं है या नॉट इक्वल बोल दीजिए, बोल सकते ना। तो क्या आप इसमें इतना लिख सकते कि अ अनबैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंपल फॉर्म में, अरे सिंपल नहीं लिख सकते, शॉर्टकट यू का मतलब हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड इज नॉट इक्वल या नॉट सेम या इक्वल, बोलो भाई, ना तो सेम होगा और ना ही इक्वल होगा, बोलिए बाबू, नहीं कह सकते कि जो नंबर ऑफ एटम है ना तो सेम होगा अच्छा ना ही इक्वल होगा, या हम कह सकते हचपच होगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। तो सर जी ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है, ये क्या छोटू, अनबैलेंस। जैसे देखो भैया आपने कहा कि हाइड्रोजन और क्या मिला दिया, ऑक्सीजन, और मिला के क्या बना दिया, जल, क्या बना दिया बाबू, जल। बताइए जो जल बना है, जो जल बना है ये देखो, अब यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस सर, नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या दोनों साइड बराबर है, इधर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर है या नहीं है, बोलो भाई, है या नहीं, नहीं है ना, बोलो भैया, नहीं है ना। तो कह सकते ना कि ये बैलेंस नहीं है, अब ये बोलते ना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बोलो बाबू, सही है ना, नहीं समझ पा रहे। तो अब हम लोग यही सीखना छोटू कि इस अनबैलेंस को सहनवाज जी क्या करना है, बैलेंस, क्या करना छोटू, बैलेंस। तो सहनवाज जी देखिए यहां पे ऑक्सीजन, तो आपने बताइए हम क्या करें फिर, ऐसे टू कर दीजिए, और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए सहनवाज जी, तो फिर क्या ऐसे लिखना चाहिए क्या, तो अब इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या इतना समझ पा रहे सहनवाज जी, बोलिए। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के
क्या मेथड है, क्या तरीका है हम किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। क्यों भाई सनमान जी? अब यही हमें सीखना है ना कि किसी भी रिएक्शंस को हम ये कैसे सर्च करेंगे या कैसे समझेंगे कि बैलेंस है या अनबैलेंस। बोलो भैया, हम कैसे समझेंगे कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस। बोलो भाई, सही है ना? चलिए नोट करिए, फिर हेडिंग डालिएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हेडिंग क्या हो जाएगा छोटू? अब जो अनबैलेंस है, अब उसको क्या करेंगे? बैलेंस करना है ना। तो हेडिंग हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सही है ना बाबू? चलो अब लिखो, इसमें जो पहला बैलेंस करना क्या है उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जी पहला जो वो हीट एंड ट्रायल मेथड, क्या छोटू? हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना? अब ये क्या है कि जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लीजिए आपके जो बुक में, पहले वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? लिखिएगा, पहले आप देखिए दिया है एसिटिलीन गैस, आप पहले देखिए बोर्ड पे एसिटिलीन गैस बर्न इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और सरवान जी वाटर, ये जो आपने लिखा है सरवान जी, ये वर्ड इक्वेशन है क्या बाबू? ये जो आपने लिखा है ये वर्ड इक्वेशन है क्या? और इस वर्ड इक्वेशन में ये क्या लिखा है सरवान जी? एसिटिलीन गैस, इसका जो फार्मूला होता है बाबू, वो फार्मूला क्या होता है सनमान जी? C2H2। ये कॉमन नेम है, क्या है ये? आगे चल करके चैप्टर नंबर कितने सनमान जी आपके? 4, वहां मैं पढ़ूंगा। अभी जो आपने लिखा सनमान जी एसिटिलीन, क्या फार्मूला सनमान जी? C2H2। और ये कहा जा रहा है सनमान जी कि क्या करना है, इसको जलाना है ना, तो जलाने के लिए क्या चाहिए? और जलाने के बाद सनमान जी क्या बन रहा है? यही कह रहा है हम, देखिए कि प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही ना सनमान जी? बोलिए अब देखिए सनमान जी, यहां पे कार्बन कितने बाबू? दो, जबकि यहां पे एक, तो बैलेंस है या अनबैलेंस है हमारे? तो क्या बोल रहे हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलो सहनवाद। अब जब बैलेंस करोगे बाबू, बैलेंस करोगे तो यहाँ कितना बोला आपने? तो जैसे यहाँ 2 का सहनवाद जी, ये 2CO2 हो जाएगा। बोलो भाई सहनवाद जी। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं सहनवाद जी? यहाँ सब कितने हो? ऑक्सीजन देखो जी, यहाँ 2, 4 हो गया। 4, और यहाँ कितना है? 1, 4 और 1, 5, और यहाँ कितने सनमान जी? 2, सही ना सनमान जी? बोलिए भाई। अच्छा, तो पहले देखिए सनमान जी, सुनिएगा मेरी बात। अगर हम यहां लिखते हैं 2, क्या लिखते हैं सनमान जी? इसका मतलब है कि 2 दो ना, क्या समझ पा रहे हैं आप?
नहीं समझ पा रहे। अच्छा अगर सर्वजन लिखते हैं 4/2, इसका क्या मतलब होगा सर्वान जी? फिर देखिए 4/2 होगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे 2 आएगा ना सर्वान जी, और 2 दूना 4, ऐसे लिख सकते। अब हमको कितना चाहिए सर्वान जी यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे 4 है और यहाँ 1 है सर्वान जी, तो कितना चाहिए हमको? 5। अब देखिए अगर हमको 4 चाहिए था तो 4/2 करते थे, अगर 5 चाहिए तो 5/2 कर देंगे सर्वान। देखिए देखिए कैसे 2 से जब गुणा करें कितना हो जाएगा? 10, 10/2। अब आप ये चाहते हैं सर्वान जी कि सर हम ये 2 गायब करना चाहते हैं, इस 2 को क्या करना चाहते हैं, तो आप 2 से सब में गुणा कर दीजिए, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए? तो बोलिए क्या हो जाएगा सर्वान जी? 2C2H2 होगा क्या? अब देखिए जब यहां से 2 लिखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सनवाद जी? 5O2। यहां 2 से करेंगे सनवाद जी तो 4C2 हो जाएगा क्या, और यहां 2 से करेंगे तो 2H2 हो जाएगा क्या? बोलो भाई सनवाद जी। अब एक बार देखो कि इसमें देखा जाए कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल है या इक्वल नहीं है। चर्चा यहां से करते 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यानी कार्बन की संख्या कितनी है सहनवाद जी? 4। हाइड्रोजन की संख्या है सहनवाद जी? 4। यहां देखिए कार्बन 4 नहीं नहीं, ये 2 जो है वो ऑक्सीजन का है ना सहनवाद जी? 4 होगा ना कार्बन का। हाइड्रोजन चेक करिए सहनवाद जी, देखिए 2 2 जा 4, ये बराबर हो गया सहनवाद जी। ऑक्सीजन देखिए 5 2 जा 10, तो सहनवाद जी 10 आएगा। अच्छा सहनवाद जी देखिए 4 2 जा 8, और यहां देखिए 1 है ना सहनवाद जी, तो 2 × 1 8 और 2 कितने हो गए आपके सहनवाद जी? 10 हो गए। बोलिए भाई। यस सर। तो अभी भी यहां पे ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? बैलेंस हो गया। बोलिए भाई। बैलेंस हो गया ये। अच्छा कैसे आपने सोचा ये समझ पा रहे हैं? पहले पहले सहनवाद जी क्या दिया था? C2H2। यानी कार्बन कितने सहनवाद जी? 2। हाइड्रोजन कितने सहनवाद जी? 2। और यहां क्या लिखा था? बर्न। तो बर्न के लिए क्या चाहिए सहनवाद जी? ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। और क्या बनना सहनवाद जी? और जल, वाटर। तो ये देखिए सहनवाद जी कार्बन कितने थे भैया, और यहां कितने? तो क्या ये बैलेंस है क्या अनबैलेंस? सेटिस्फाइड इतने से? अब ये अनबैलेंस है, इसको क्या किया जाए भाई? बैलेंस किया जाए। तो बोले सहनवाद जी अब चेक करिए कार्बन कितने थे यहां? 2। इसलिए यहां क्या लिखा हमने? कार्बन तो बैलेंस होगा ना सहनवाद जी, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। रेडी यहाँ पे 2 था। yes, अब बचा ऑक्सीजन आपके सहनवाद जी। yes, 2 2 9 4 और 1 5 है सहनवाद जी। yes, अब देखिए जो हमें ऑक्सीजन लिखना होता है वो हमेशा O2 फॉर्म में लिखते हैं। yes, किस फॉर्म में लिखते हैं? O2। अच्छा आप ये समझते हैं सहनवाद जी कि हमें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए? 5। yes, अगर हम यहाँ कितना रखते हैं? कितना हो जाएगा? अच्छा अगर सहनवाद जी यही क्रम अगर ऐसे रख देता 2.5, तो देखिए 2 5 2 2 9 4 1 नहीं हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बोलिए भाई सहनवाद जी, नहीं रख सकते ऐसे? बोलिए, नोट करिए फिर सहनवाद जी।